जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली परिसर का है, जहां पर आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता करने के लिए जिला अधिकारी संभल मनीष बंसल उपस्थित रहे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्रा भी उपस्थित रहे। इस दौरान वहाँ पर अपनी शिकायत लेकर चंदोसी रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी अनिल मिश्रा भी पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या जिलाधिकारी मनीष बंसल के सामने रखी। इस विषय में जब रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी अनिल मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक साल में रोडवेज बस स्टैंड 3 बार ब्लॉक हो चुका है, 2 बार पूर्ण रूप से जबकि 1 बार आंशिक रूप से बंद हो चुका है। इस समस्या के निराकरण के लिए आज हमने अपनी समस्या से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हम अपनी समस्या नगर पालिका परिषद चंदोसी के अधिशासी अधिकारी के सामने भी रख चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज हमने अपनी समस्या से जिला अधिकारी को अवगत कराया। ये है कि एक साल के अंदर अंदर रोडवेज बस अड्डा 3 बार ब्लॉक हो चुका, 2 बार पूरी तरह ब्लॉक हो चुका और 1 बार दिल्ली नोएडा मेरठ वाली गाड़ियां भी अंदर नहीं आ रही। कारण ये है कि पहले गेट बना, गेट बनने पे लगभग 30 दिन बस स्टैंड बंद रहा, बिल्कुल 100%। फिर उसके बाद 20 दिन नगर पालिका ने सीसी रोड डाली उस गेट के बराबर में, तब 20 दिन पूरी तरह बंद रहा। पुलिया बनी है बार के बराबर माल गोदाम रोड पे, तो वो पुलिया पे जितना स्लैब डाला है, अगर वो 2 फीट और बड़ा डाल देते तो हमारा संचालन बाधित नहीं होता। वो कम डाला है, चलो वो भी सही है। अगर आपने जो उसका मलवा है उस स्लैब के साइड में रख दिया है तो जिससे बड़े वाहन निकलने की गुंजाइश है ही नहीं। ये समस्या हमने माननीय हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, उन्हें भौतिक निरीक्षण करा के अपनी समस्या बताई, लेकिन 24 घंटे के बाद भी उस पर जो कि 1 घंटे का काम है उसका मलवा हटाने का, 1 घंटे का काम भी 24 घंटे में नहीं। आज आश्वासन दिया है डीएम साहब ने, तो शायद नहीं होता है तो मैं कल फिर इसकी आवाज उठाऊंगा। जनहित की डिमांड है, मेरा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है।